नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कनक चंद और आज मैं हूँ कैची धाम में। और यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित हैं श्री उमेश चंद तिवारी जी, उनके पिताजी श्री पूर्णानंद तिवारी जी यहाँ पर महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं और उन्हीं के साथ महाराज जी ने यहाँ पर उनकी सहायता से कैची धाम की स्थापना करी और पूर्णानंद जी ने उनको सहयोग किया यहाँ जमीन दिलवाने में, बताने में और बताने, उनके जो भी बताने में जगह बताने में और साथ में यहाँ पर जो उनके जो जितने भी वो कार्य थे महाराज नीम करौली महाराज जी उनको बोलते थे काम करने के लिए और वो सेवा अपनी देते थे। उन्होंने अपना जीवन महाराज जी को समर्पित कर दिया था, उनका पूरा परिवार महाराज जी की सेवा में लगा रहता था। तो आज इतने ऐसे महान परिवार के साथ आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ स्वर्गीय श्री पूर्णानंद तिवारी जी के जो बेटे हैं श्री उमेश चंद तिवारी जी। आइए उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं उस समय जब बाबा जी यहाँ पर आए थे शुरुआती दौर पर, तब किस तरीके से इनके पिताजी ने जो है महाराज जी को हेल्प की थी, किस तरीके से महाराज जी ने इनके पिताजी से हेल्प ली थी। तो आइए मिलते हैं श्री उमेश चंद तिवारी जी से। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में और मैं चाहूँगी, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला और आज अब थोड़ा कुछ जो भी आप महाराज जी के बारे में जानते हैं क्योंकि आप बचपन से आपने उनको देखा है, तो अगर थोड़ी बहुत जानकारी हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा। महाराज का मैं आपको अपने परिवार के साथ ही घटा हुआ साक्षात चमत्कार सुना देता हूँ। हमारी माँ जैसे दमा की बीमार थी, तो जाड़ों में बाबा जी रेन शो को चला जाया करते हैं और गर्मियों में 6 महीने महाराज रहेंगे, तो माँ हमारे बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। सुबह हुई, माँ का बिस्तर बाहर बरामदे में, उसके बिस्तर भी लग जाता था और सामने ऐसे बरामदे की रेलिंग, लकड़ी की रेलिंग के सहारे ऐसे तकिया रजाई रख दी जाती थी, ऐसे करके माँ बैठे रहते। तो 70 के दशक की बात होगी शुरुआती, मतलब 1968 की। तो माँ जाड़ों के दिन में माँ का दमा का दौरा चल पड़ा, माँ की तबीयत जरा ज़्यादा ख़राब हो गई, तो माँ की दमा का कोई इलाज भी नहीं था। एक ही कोई अनसीन डॉक्टर ने माँ के लिए एफाडिन की गोली, दमा की श्वास की गोली, छोटी सी गोली, वही सुझा रखी थी, तो वही गोली माँ खाती थी। जब दौरा दमा का ज़्यादा हुआ, खांसी होती थी ना, उसमें एकदम सांस फूल जाती थी, तो गोली खा के थोड़ी आराम मिलता था। जाड़ों के दिन अब माँ का दौरा, वो एक गोली खिला दी 2-4 घंटे में, दूसरी खिलानी होती थी तो 2 ही घंटे में खिला दी, तो भी माँ को आराम नहीं हुआ और धीरे धीरे माँ की हालत बहुत डाउन होने लगी। अब सांस पड़ गई, संध्या टाइम हो गया, माँ की तबीयत बिगड़ती ही गई। अब पिताजी ने भैया लोगों से कहा, बड़े भैया लोगों से, कि यार आस पड़ोस से ताऊजी लोगों को बुला लें, तबीयत बहुत डबाडोल हो रही है। तो सब ताऊजी आऊजी लोग दूर दराज से भी सब सयाने लोग घर में आ गए, घर में भीड़ होने लगी। अब सब लोग देखे हैं, देखे देखे करीब रात के 8 बजे होंगे, तो हमारा उस समय दीदी कोई सब्जी अब्जी चूल्हे में चढ़ा के आटा गूंद रही थी, कोई दीदी नीचे गोट में गाय भैंस बंधे रहते थे दूध निकाल रही है, कोई गाय भैंसों का काम कर रहे हैं, कोई बच्चे वो लालटेन में लंपू में पढ़ाई में लगा है। अब पूरा परिवार 10-12 भाई बहन और एक ही कमरे में सब, और ऊपर से उतने लोग माँ को देखने आए थे सब। तो एक ताऊजी ने माँ की नब्ज पकड़ी थी, तो पिताजी कितने तो ऐसे माँ को अपने गोद पर ही लिटा रखा था, ऐसे देखो सहारा दे रखा। बोले कि पिताजी को बोले कि अब यार इसकी हालत जो है बहुत ख़राब है, मेरे को मुश्किल लग रहा है, इसका बचना नब्ज बहुत डाउन हो। जैसे ही उनका ऐसा कहना, तो सब बच्चों ने जैसे हम लोगों ने सुना, तो हम एकदम से रोने लगे कि अब माँ की तबीयत जो है, अब माँ ठीक नहीं हो पाती है। तो एकदम से घर में सब रोने लगे, तो एकदम कोहराम जैसा हो गया। अब उस समय ऐसा भी नहीं, ना तो कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहीं ले जाए,
फिर गरीबी के दिन ऐसी और न ये गाड़ी आड़ियों की इतनी सुविधा, आजकल तो जैसे टैक्सी हैं अपनी गाड़ियां हैं लोगों के पास, तब किसी के पास गाड़ी आड़ी भी नहीं इसमें रोड में, जो रात को तो फिर ट्रक ही कोई है वही किसी में जाओ और ले जाओ तो कहाँ ले जाओ। तो महाराज उस टाइम में इलाहाबाद में थे, तो महाराज की अपने भक्तों पर कृपा देखना, तो महाराज इलाहाबाद में थे। तो जैसे हम लोग घर में रोने लगे तो महाराज इलाहाबाद में जान गए कि पूर्णानंद के बच्चों की माँ की तबीयत बहुत सीरियस हो गई और बच्चे सब रोने लग गए। तो जो महाराज के शिष्य थे हरिदास बाबा, वो दिन भर तो यहाँ मंदिर का वो सेक्रेटरी टाइप थे, सारे काम देखते थे, वो सारा हिसाब किताब कहाँ लेबर क्या कर रही है क्या नहीं सारा हिसाब किताब वो देखते थे। और रहने के लिए वो रात को हनुमानगढ़ मंदिर नैनीताल में रहते थे, सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे, शाम को 5 बजे लेबर की छुट्टी, तो उन्होंने भी सीधे नैनीताल। तो तब महाराज ने सिद्धि माता जी के होटल में इंडिया होटल में फ़ोन करा, टर्म कॉल बुक कर और उनको बोला कि तुम सीधे हनुमानगढ़ जाके हरिदास बाबा को बुला के लाओ और उससे मेरी फ़ोन पे बात कराओ। तो हरिदास बाबा को गाड़ी लेने वहाँ से 3 किलोमीटर दूर करीब हनुमानगढ़ मंदिर है माता जी के होटल से, वो गाड़ी हनुमानगढ़ गई, हरिदास बाबा को लेकर आए, फिर ट्रंक कॉल से महाराज की बात कराई गई। तो जैसे ही हरिदास बाबा जी ने ही सब बताया ना, तो हरिदास बाबा को महाराज बोले बल्कि हरिदास तू तो हनुमानगढ़ में खूब मजे कर रहा है, वहाँ पूर्णानंद रो रहा है, उसके बच्चे सारे रो रहे हैं, और तू एक काम कर प्रेमलाल शाह डॉक्टर को लेके जा तुरंत, अगर ये डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचा तो बच्चों की माँ मर जाएगी, तो पूर्णानंद क्या करेगा उसने बच्चों को कैसे देखेगा। और प्रेमलाल से कहना कि बाबा ने कहा मेरा नाम ले। प्रेमलाल शाह जी नैनीताल के माने जाने उस टाइम के डॉक्टर हुआ करते थे, उनके नाम से मेरी उनकी प्रेम फार्मेसी चलती है नैनीताल में, तो प्राइवेट डॉक्टर थे, प्राइवेट डॉक्टर, और वो कहीं ऐसे गरीब अरीब हुए यहाँ कम ही जाते थे, बल्कि ब्रिटिश टाइम के डॉक्टर थे तो अपने रईसी खाट में रहते हैं। तो महाराज ने कहा कि उससे मेरा नाम लेके उसको ले जाओ और उसी गाड़ी को लेके जाओ। अब 9:30 बजे हरिदास बाबा उन डॉक्टर को लेके यहाँ पहुँचे और 9:30 बजे हमारे घर में पहुँचे। बाहर से अब घर में वो दिया लालटेन ऐसी जले रहते थे, लाइट थी नहीं, तो नीचे से जब आवाज़ मारी महाराज हरिदास बाबा ने कि पूर्णानंद पूर्णानंद, तो पिताजी ने आवाज़ पहचान ली, पिताजी ने कहा ये तो हरिदास बाबा जी की आवाज़ लग रही, तो ये कहाँ से आए, ये तो नैनीताल रहते हैं तो ये कैसे आए। एकदम से माँ को दूसरे को पकड़ा के बाहर निकले, बाहर निकले तो हरिदास बाबा बोले कि पूर्णानंद जी मैं डॉक्टर को लेके आया हूँ, और माँ के पास लेगा बच्चे की माँ के पास। फिर वो डॉक्टर साहब अंदर आए, अब इतनी गरीबी थी तब ये कुर्सी उर्सी हम कुछ जानते भी नहीं थे, हमारे तो बोरे नीचे रहते थे। तो डॉक्टर साहब आए तो घर में रो रहे हैं, हमने सबको चुप करा और सारा रूम वो एक ही कमरे में सभी भरे पड़े हैं, तो सबको बाहर कर दिया बरामदे में, उन्होंने कहा कमरा पहले खाली करो। और रुमाल जैसा कुछ निकाला बैग में से, उसमें जैसे क्या वो कुछ ऑक्सीजन टाइप की लाए थे, माँ की नाक पर ऐसे पकड़वा दिया और इंजेक्शन दिया माँ को, नब्ज पकड़ के बोरे में बैठ गए ऑक्सीजन माँ की। 15-20 मिनट बाद उन्होंने दूसरा इंजेक्शन दिया और फिर नब्ज पकड़ के बैठे। तो हम लोगों को डराज बताने लगे कि बच्चों तुम लोग रो मत, अभी तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तो थोड़ी देर पौन घंटा करीब वो ऐसी रहे, उसके बाद माँ ने आँखें खोलनी शुरू कर दी। माँ ने आँखें खोली, जैसे ही माँ ने आँखें खोली तो उन्होंने कहा देखो अब आप अपनी माँ से बात भी कर सकते हो और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो। अब जब हम सब के सब माँ के पास को भागने लगे माँ को देखने के लिए, तो सबको रोता हुआ देख रही कुछ सीधा करें, तो माँ ने पिताजी अनुशासित थे मतलब डांटते थे हम लोगों को, जैसे कुछ थप्पड़ पड़ भी मार देते थे बच्चों, तो माँ एकदम समझ में नहीं, बिल्कुल परलोक से वापस आ गई माँ। तो माँ कहने लगी कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें पिताजी ने बताओ मैं किसको मारा और तुम लोगों ने खाना किसने खा लिया किसने नहीं खाया, तो एकदम से ऐसे वो पूछने लगी। डॉक्टर साहब ने कहा अभी बिल्कुल ठीक है। तब पिताजी बाहर निकले तो हरिदास बाबा जी से पूछा कि महाराज
तुम्हें कैसे पता लगा हनुमान गढ़, तुम इनको लेके कैसे आए? उनमें महाराज हरिदास बाबा पिताजी को बोले कि पूर्णानंद जी, आप तो महाराज के जो है परम भक्तों में से एक हो, तो महाराज अभी इलाहाबाद में है, तो उन्होंने वहाँ जान लिया तुम्हारे लिए हनुमान, और ये वहाँ से गाड़ी ऐसे ऐसे करके फोन करके मेरे को इंडिया होटल बुलाया, और फिर फोन में बात करके मेरे को तुरंत आदेश करा कि प्रेमलाल को लेके वहाँ पहुँच। तो कहने लगे तुम्हारे ऊपर तो ऐसी कृपा है। तो महाराज माँ उसके बाद 26 साल और जी, हाँ ये शुरुआती दौर की बात होगी ना जब मंदिर बन रहा था। हाँ अड़सठ की बात है। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे ये हरिदास बाबा जी कंस्ट्रक्शन जब हुआ सब उनकी देखरेख में, सब उनकी देखरेख में पूरा मकान बनाया, 3-4 साल तक उनके अंदर हरिदास महाराज पूरा ही रहे, महाराज के लास्ट तक रहे। थोड़ी 21 साल पहले फिर वो कहीं यहाँ से लगातार चले गए थे, महाराज के शरीर छोड़ने के बाद रामदास उनको अमेरिका ही भेजा था, फिर अमेरिका चले गए थे, कैलिफोर्निया में उनका आश्रम है महाराज का, बहुत बड़ा। आए कहाँ से थे हरिदास बाबा जी? हरिदास महाराज यहाँ जिन्हें कहाँ से ऐसी टकराए थे, हाँ काफी बड़ी जटाएं थी उनकी और दाढ़ी वाली थी, एक बार डांट करके उनको मौन भी करा दिया था महाराज ने, तो हमेशा मौन रहे वो आजीवन।